देखिए, आप लोगों को हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा दिया है, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात उत्पाद और अभिकारक के द्रव्यमान हमेशा एक समान रहते हैं। तो उसी को समझने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आज हमारा टॉपिक है, जिसको हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए कई स्टेप है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करना है। कैसे करना? देखिए, अब तीर के निशान के दोनों ओर, ये आपकी तीर हो गई, ये जो तीर हो गई इसके दोनों ओर के इधर और इधर के तत्वों के क्या करना है, परमाणुओं की संख्या। परमाणु क्या होते हैं? जैसे आयरन है, ये Fe एक परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? दो परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? एक परमाणु है। इधर Fe3 जो आयरन का परमाणु है वो संख्या कितनी है? तीन है। ऑक्सीजन की कितनी है? चार है। हाइड्रोजन की कितनी है? दो है। तो देखिए, अभिकारक का एक तरफ गिनना है और उत्पाद का दूसरे साइड का गिनना है, और हमको कंपेरिजन करना है कि तीर के इस साइड और उस साइड दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पे बराबर है, आयरन का एक है, इधर थ्री है, तो 1 3, तो इधर जो है संतुलित नहीं है। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? असंतुलित समीकरण। तो इसी को असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना। अब सूची बनाना है, क्या करेंगे सूची बनाने के लिए? सबसे पहला काम तत्व, एक तरफ हम क्या लिखेंगे? तत्व। ये देखिए सबको करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा 3 नंबर में आता है, 3 नंबर 4 नंबर में, ज़्यादा ज़्यादा 5 नंबर भी आ सकता है। देखिए इधर कितने तत्व देख लीजिए, पहले आयरन इधर भी है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ भी आयरन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है। अब हमको इधर तत्वों के नाम लिख देना है, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अभिकारकों में अगली हेडिंग इसमें डाल देना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, या तो आप डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब, अब देखिए हाइड्रो जो आयरन की संख्या है यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। हाइड्रोजन यहाँ पे हमने उतार दिया, ये देखिए तत्व है, ये नहीं कि हम H2 लिख देंगे, ये तत्व है तो इसको हम सिर्फ H लिखेंगे। तो H का अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, तो अभिकारक इधर होता है, आपको पता है, आपको हमने क्लास में बता दिया है। तो अभिकारक इधर होता है, तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि इसके आगे 2 लगा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक की तरफ? 1 है, तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए राइट हैंड साइड में उत्पाद की संख्या होती है, तो आयरन यहाँ से जाइए, देखिए इधर तो 1 था, आयरन इधर कितना है? 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? 3। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। लेकिन इधर भी 2 है, तो हमने क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। अगला देखिए ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का इधर जो परमाणु है यहाँ पे अभिकारक में कितना है? 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है। इधर देखिए
ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? चार हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, चार है। अब देखिए हमको अब तीसरा पॉइंट जो आता है हीट एंड ट्रायल विधि में, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना। कैसे संतुलित करेंगे, देखिए यही चीज़ यहाँ पे आप उतार दीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको उतार दिया। देखिए यहाँ पे गलती से एफ ई रहना चाहिए। तो जो एफ ई है, इधर देखिए आयरन जो है वन था, इधर क्या था, थ्री था। तो अगर आप दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इधर आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से। तो थ्री इंटू वन कितना आएगा, थ्री। अब इधर का भी और इधर का भी क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, बराबर हो गया। अब इधर देखिए टू था, आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो टू था और यहाँ पे भी टू था, लेकिन जब आप आयरन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बैलेंस है, इधर भी बैलेंस हो जाएगा, इधर भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, अभी बताते हैं, रुकिए। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, फोर है, तो इसके बराबर लाने के लिए हम ऑक्सीजन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, फोर का। और जब फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर। अब ये फोर फोर तो इक्वल हो गया, मतलब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, फोर हो गई, चार हो गई। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इधर फोर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम किस में मल्टीप्लाई किए हैं, अभिकारक में। तो जब ये फोर का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ फोर लिखेंगे, आपको बाएं साइड में ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमेशा परमाणुओं में गुणा बाएं तरफ से करते हैं, छोटी पूर्णांक संख्या से। अब छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या लेना है, ये नहीं कि हम 50-60 से गुणा कर दें। तो देखिए अब यहाँ पे हम अगर यहाँ तो थ्री लिख देंगे तो ये दोनों इधर का भी थ्री हो जाएगा, इधर का भी थ्री हो जाएगा। लेकिन हम जब यहाँ पे प्लस के सामने थ्री लिख देंगे तो यहाँ पे जब थ्री लिखेंगे तो थ्री का मल्टीप्लाई टू में होगा, तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कितना करना है, फोर करना है। तो थ्री कर देंगे तो ये तो बैलेंस नहीं होगा ना, इधर कितना है, फोर है, तो हम यहाँ पे चार से गुणा कर दें। जब चार से गुणा करेंगे तो ये चार दूनी क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, चार का गुणा इसमें भी कर देंगे ऑक्सीजन में, तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ये तो चार बराबर हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, चार दूनी आठ हो गई, आठ हुई कि नहीं हुई, तो आठ हो गया। तो जब आठ इधर हो गया तो अब हमको इसको भी तो आठ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे भी चार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चार का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो फोर टू जा एट हो जाएगा, इधर भी एट हो गया हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन एट हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे टू इंटू फोर इक्वल टू एट किए हैं। जब इधर एट हो जाएगा, ऑक्सीजन भी चार हो जाएगा, तो इस साइड भी हमको एट करना ही पड़ेगा। देखिए हीट एंड ट्रायल विधि में सबसे पहला चीज होता है, उसमें क्या होता है, देखिए हीट एंड ट्रायल विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, और हमेशा परमाणुओं में गुणा बाएं तरफ से करते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से फोर तो फोर जीरो हो गया, उसमें ये पर तत्वों की संख्या बढ़ा देगा हमको, जबकि क्या बैलेंस करना है, द्रव्यमान की संख्या बैलेंस करनी है। अगला देखिए उसी में आगे देखिए कैसे संतुलित किया गया है। देखिए हमने थ्री का मल्टीप्लाई किया तो ये तो थ्री, आयरन का जो तत्व परमाणु हो तीन हो गया। अब यही यहाँ पे तीन था तो ये और ये तत्वों की संख्या तो बराबर हो गई,
इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को इधर, ऑक्सीजन कितनी है, चार है, इसको चार करने के चक्कर में हम इधर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम इधर से करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको पता है कि 4 2 8 हो जाएगा, और 4 इसमें करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये 8 हो गया। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम 4 2 8 मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन चौथा पॉइंट क्या कहता है हिट ट्रायल इन विधि में, कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, हमने इसको यहाँ पे जो संतुलित किया था इसको उतार लिया, 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम यस लिखे हैं स्मॉल लेटर में, यहाँ पे जी लिखे हैं, यहाँ पे यस लिखे हैं, यहाँ पे जी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि इधर देख लीजिए, जो ठोस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। देखिए आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें आपको पूरे 10th के बाद 11th 12th PSC MSC जो भी करना चाहेंगे उसमें ये सब काम आएगा। ठोस, तो सॉलिड जो होता है उसे हम स्मॉल एस में लिख दिए, गैस को स्मॉल जी में लिख दिए, द्रव को, लिक्विड को स्मॉल एल के रूप में लिख दिए, जली बिलियन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे हम क्या लिख दिए, AQ। लेकिन आप देखें यहाँ पे भौतिक अवस्थाओं के संकेत हमको चौथा नंबर पे लिखना है, कैसे, 3Fe आयरन आपको पता है, लोहा क्या होगा, सॉलिड होगा, तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, स्मॉल एस। 4H2O के सामने हम जी लिखे हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ पे जल जो होता है ये लिक्विड होता है तो यहाँ पे जी क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम जब लोहे पे भाप गिराते हैं, और आपको पता है कि जल जो होता है भाप के रूप में भी H2O ही लिखा जाता है, तो इसे जी लिखेंगे। और ये गैस के रूप में क्या है, भाप है, वेपर, Fe3O4। अब जो आयरन ऑक्साइड बनेगा, आपको पता है कि जो फेरिक ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड होता है, ये सब क्या होता है, लोहे में जंग लगती है, तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये जो होता है सॉलिड के रूप में होता है, आप देखे होंगे जो रस्ट होती है, जंग होती है, वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब हाइड्रोजन जो होता है इसमें से गैस बन के उड़ जाएगा, और इसीलिए इसको हाइड्रोजन के आगे हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। अब ये पूरी तरह से आपका समीकरण तैयार है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी अभिक्रिया जिस कारण से हो रही है उसका वर्णन भी तीर के ऊपर लिखकर कर दिया जाता है, कहीं लिखा जाता है। आप देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्वस फॉर्म में, मतलब जली बिलियन के रूप में पौधों में ग्रहण की जाती है। फिर जल जो होता है जड़ के द्वारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है। इसके बाद सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है, और क्लोरोफिल होती है। अब ये दोनों नहीं रहेगा तो ये क्रिया होनी नहीं है। तो जो चीज़ जिसके कारण अभिक्रिया हो रही है उसको हम तीर के ऊपर लिख सकते हैं। अगर गर्म करना तो यहाँ लिख देंगे कि गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर, ठंडा करने पर 150 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और ये भी किस फॉर्म में बनता है, एक्वस फॉर्म में बनता है, एक्वस का मतलब जलीय रूप में। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो भी एक्वस फॉर्म में निकलती है, एक्वस फॉर्म में निकलती है। और इसके बाद जो H2O होता है, जो जल होता है, ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है, बूंद बूंद के रूप में ऊपर पत्ती के ऊपर रहेगा। तो अब इसमें देखिए, ये जो हम दिखाना मेन चीज़ इसमें ये था कि जो क्रिया हो रही है किस कारण हो रही है उसको तीर के ऊपर हम
नोट कर देते हैं। अगला देखिए, समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये क्वेश्चन है। आपको हम कई क्वेश्चन देंगे कल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ऐसे एग्जाम में आता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका नाम है HCl। तो हाइड्रोजन का सूत्र आपको पता है H2 होता है, क्लोरीन का सूत्र आपको पता है Cl2 होता है, और तीर का निशान लगा के HCl लिख देंगे। अब देखिए, आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कैसे संतुलित करना है। हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे H=2। H=2 कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन, क्लोरीन कितनी है, 2 है, लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितनी है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 के, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, अब इक्वल हो गया। तो इसी को संतुलित करने के लिए, अब देखिए H2 प्लस Cl2, तो हमको आपको हमने बताया था कि इधर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम मल्टीप्लाई किधर से करते हैं, इस साइड से। तो देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नहीं कि इधर इसमें भी 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 किए हैं, अब दो दो नहीं करना है, एक बार में कर दिए तो 2H हो जाएगा, 2 × Cl 2Cl हो जाएगा। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। अब देखिए HCl जो बना ये लिक्विड फॉर्म में बना, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। अगर समझ में आए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे स्मॉल L ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे ये है स्मॉल L, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इसके आगे छोटा सा। फिर Cl2 आपको पता है कि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, छोटा सा जी बना देंगे। हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस होगी, तो यहाँ पे आप क्या लगा दिए, स्मॉल जी लगा दिए। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। अगला देखिए, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा, नहीं तो अगले दिन हम आपको बता देंगे। देखिए आपको करके दिखाना भी है, ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा भेजेंगे बताएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, या तो कमेंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसका सूत्र आपको लिखना होगा, पहले बेरियम क्लोराइड लिखिए, फिर एल्युमिनियम सल्फेट लिखिए, तीर का निशान बनाइए, बेरियम सल्फेट लिखिए, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड लिखिए। अब उसमें आप बेरियम का परमाणु गिनिए, एल्युमिनियम का गिनिए, क्लोराइड का गिनिए, सल्फेट का गिनिए, सल्फर का गिनिए। तो ऐसे गिनने के बाद आपको पता चलेगा किधर संतुलित नहीं है, तो आप ऐसे लिख के, या तो पीछे जैसे आपको बताए हैं वैसे अभिकारक की संख्या लिखेंगे, तत्व तो लिखेंगे अभिकारक की संख्या अभी, तो उसको लिखने के बाद आप संतुलन को, इसको संतुलित कर सकते हैं। देखिए आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको हम समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बाकी चीज़ें जो है आपको अगले दिन हम एग्जांपल इसी का भी समझाएंगे, समीकरण को कैसे संतुलित करना है, क्योंकि ये आ जाएगा तो आपको 3 नंबर आपका कंफर्म रहेगा हमेशा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी समझ में चीज़ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ग्रुप में।